फिश का तैयारी हो रहा है, वहाँ फिश फ्राई हो रहा है गैस में, और यहाँ मैंने टमाटर प्याज लहसुन अदरक सब काट लिया है। दिखाती हूँ चला गया था खाना बनाने के बाद। उसके बाद हम लोग कैंडल चला के हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। उसके बाद रात को 11 बजे लाइट आया। अभी पानी गर्म हो रहा है मेरा पीने के लिए, हो गया है। और मैं भी खाना बनाऊंगी, खाना बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, खाने में मैं बनाऊंगी चावल दाल और टमाटर का चटनी। आज टमाटर का चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं आज टमाटर धनिया का चटनी बनाऊंगी, वही खाऊंगी। हस्बैंड आएंगे 3 बजे। खाना बिठा दिया है मैंने, दाल चावल हो रहा है और हो जाएगा, फिर चटनी बनाना है बस। बाल बहुत गीले और ना बारिश में ना बाल सूखते भी नहीं है जल्दी। लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर, सॉफ्ट नहीं दिया गया है। तो बारिश का सीजन में ना हम लोग भुट्टा बहुत खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो बाहर खाना इम्पॉसिबल है, तो हम लोग घर पर ला के मतलब फ्राई करके उसको खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। फ्राई करके भी खाते हैं, बॉईल करके भी खाते हैं, तो अच्छा लगता है। और यहाँ इजीली अवेलेबल है, मिलता है। खाना वाना खा लिया मैंने और अभी लग रहे हैं
साढ़े चार और मेरे हस्बैंड अभी आए, तो मैंने ये लिबॉन सीरम का एक सीरम ऑर्डर किया था अमेजोन से, तो अभी अभी जस्ट पार्सल आया है। और लिबॉन सीरम मुझे पर्पल कलर का मिला है, रेड कलर का नहीं मिला। ये 100 ml है और इसका रेट 250 है, पर 200 में मिला है मुझे ये। और इसका कुछ इस तरह है अंदर, और बोतल बहुत ही क्यूट है। और बस अभी मैं अप्लाई करूंगी, मेरा बाल थोड़ा बहुत सूख गया है, तो अभी मैं अप्लाई करूंगी अपने हेयर में और देखूंगी। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ लिबॉन सीरम। पहले मैं यूज करती थी ये स्ट्रेप्स का हेयर सीरम, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ग्लोसी और फ्रिजी हेयर को मतलब बहुत ये हेल्प करता है एंड वेरी यूजफुल। पर इसका एक्सपायरी डेट आ गया था अभी 2020 का जुलाई में एंड हो गया था इसका, इसलिए मैंने लिबॉन सीरम ऑर्डर किया था अमेजोन से और वो आज आ गया। दो दिन पहले ही किया था और आज आ गया, तो अभी मैं यही अप्लाई करूंगी। मेरे पास ये दो ही, मतलब ये दो ही मैं भरोसा करती हूँ कि ये मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा, अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे यूज नहीं करती। और ये अभी लिबॉन तो पहले से ही अच्छे, बहुत लोग यूज करते हैं, इसका टीवी में भी ऐड आता है, तो सोचा क्यों ना इस बार ये वाला यूज करें। एंड देखते, इसका एक्सपायरी डेट 2023 दिखाया, तो मेरे पास मतलब 3 साल है यूज करने के लिए, और ये काफी मेरे चलेगा क्योंकि मैं वीक में 2 बार ही लगाती हूँ, इतना तो लगाती नहीं, 2 बार ही लगाती हूँ, तो बस डेली बेसिस में नहीं लगाती, बिल्कुल भी लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि डैमेज हो जाता है नीचे का। पर मैं हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ ना, तो मेरा है मैं अप्लाई करूंगी तो मैं आप लोग सब देख, मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ। एंड जो लोग यूज नहीं करते हेयर सीरम, प्लीज से यूज कीजिए, और हेयर सीरम बहुत अच्छा होता है, तो इसको लेना है 2-3 ज्यादा याद। तो ये मैंने लिया है, लिक्विड फॉर्म में है, अब इसको रब करेंगे, इसको हल्का हल्का अपने बालों में सेट करेंगे। इसकी खुशबू, इससे तो बेटर है इसकी खुशबू, बहुत अच्छी है इसकी खुशबू, पर ये भी बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट था ये। तो अप्लाई कर लिया, और जो बच जाता है ना एक्सेस वाला, जो यहाँ और यहाँ बच जाता है ना, तो उसको आप सर पे ऐसे टैप कर सकते हो, इससे खुशबू बहुत अच्छा है। तो मैंने लगा लिया, अप्लाई कर लिया है मेरे हेयर पे, और हल्का हल्का शाइनेस भी आ गया देखिए, और ये इंस्टेंट ना स्ट्रेट भी हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है हेयर। आप मेरा ये यहाँ से देखिए, चावल है और अभी बनेगा पालक, पालक मेरा फेवरेट है तो पालक बनाएंगे अभी।
खा लिया है पालक, बहुत पेट हुआ था। और अभी बज रहे रात के 10। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन है।